everyone, welcome back to my channel. I'm your Kaushiba. So guys, कैसे हो आप सब? आज मैं कुछ different video लेके आई हूँ कि regular में हमें makeup कैसे करना चाहिए. देखो regular में हम रोज रोज foundation तो नहीं लगा सकते, so हम उसके लिए BB cream use करते हैं. तो आज मैं इस look में BB cream use की है, तो मैं आपको बताऊँगी कैसे look मैंने create की है and मैंने इन सब में ये सब चीज़ें use की हैं. Okay? और जो भी टोनर वगैरह मैंने अप्लाई किया है सब मैं इस वीडियो में बता दूंगी एंड ये सब चीज़ें यूज्ड हुई हैं. ओके तो मैंने पहले इसमें सब चीज़ें रख ली थी कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने यूज़ करनी है. सो आज की वीडियो में ये सब है कि मैंने रेगुलर के लिए कैसे मैं मेकअप करती हूँ. वैसे रेगुलर में बीबी क्रीम भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कि जाना होता है मुझे बाहर तो उसके लिए मैं बीबी क्रीम ट्राई करती हूँ अगर आस पास से जाना. बट अगर कोई फंक्शन में जाना है मुझे तो फिर मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. तो आज की वीडियो में बीबी क्रीम के बारे में है और कौन सा मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, डेली में कौन सा टोनर अप्लाई कर रही हूँ अभी, ये सब लुक एंड तक देखिए कि कैसे कैसे मैंने मेकअप ये लुक क्रिएट की है. नेचुरल है बिल्कुल, आईलाइनर तक नहीं है. ओके सिर्फ काजल है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना. ओके सो अब देखिए कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की है. सो गाइस सबसे पहले मैं टोनर लगा रही हूँ, कुकुम्बर टोनर, और ये बायोटिक का है बट मैंने बॉटल चेंज कर रखी है बिकॉज मुझे स्प्रे वाली बॉटल चाहिए थी, तो मैंने गुड वाइब्स की बॉटल ले रखी है इसमें. अब मैं इसको डैप डैप कर रही हूँ कि मेरी स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से. देन अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्रैन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, एंड ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी बिकॉज आप सबको पता ही है कि मुझे एक्ने हो रखे हैं. एंड मैं इसको डॉट डॉट करके लगा रही हूँ सनस्क्रीन को, और ये सनस्क्रीन इतनी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और ज़्यादा वाइटनिंग भी नहीं देती. ये थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है बट इसको सॉफ्ट हैंड से ही अप्लाई करनी होती है, एंड ये बहुत अच्छी वाली सनस्क्रीन है. और अब मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी. इसमें सिर्फ दो ही आइटम्स हैं, एक तो ग्लिसरीन और सेकेंड वन है वाइटमिन, और दोनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड ये भी बहुत सॉफ्ट है. सनस्क्रीन लगाने के 5 मिनट बाद ये अप्लाई करनी है हमने. एंड इसको भी सॉफ्ट हैंड से हमने स्प्रेड कर देना. या जो अपने फेस पर लगाते हो वो पूरे गले तक लगाया करो बिकॉज फेस और नेक सेम होने चाहिए. और मैंने ईयर्स पे भी लगा लिया. देन अब मैं नीविया की स्ट्रॉबेरी वाली लिप बाम लगा रही हूँ. लिप्स की भी तो टेक केयर करनी होती है ना हमें. अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का, एंड ये बहुत अच्छे वाला प्राइमर है. देखो अब समर्स आ गए हैं तो हमें प्राइमर तो देखो ज़रूरी ही है हमेशा ही, चाहे विंटर हो चाहे समर हो. प्राइमर इसलिए होता है कि वो हमारे मेकअप को थोड़े टाइम के लिए टिका के रखे, एंड प्राइमर मस्ट है. अगर किसी के पास प्राइमर नहीं है तो हम उसकी जगह पर एलोवेरा भी लगा सकते हैं. एंड अब उसके थोड़ी देर बाद मैंने बीबी क्रीम लगाई, एंड यस मॉइस्चराइज़र के 10 मिनट्स बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया था. ये थोड़ी सी मैंने ले ली, अब मैं इसको डॉट डॉट करके लगाऊंगी फेस पर. देखो रोज़ फाउंडेशन नहीं लगा सकते इसलिए बीबी क्रीम सही है रेगुलर यूज़ के लिए. सो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसे डैब डैब करके इसको कवर कर दूँगी. आप इसको ब्रश से भी कर सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो. So yeah, all done. So अब मैं थोड़ी आईब्रोज को फॉर्म कर लूंगी.
अब मैंने वाइट टोन का पाउडर लिया है और उसको किसी बाउल में डाला है। देन ब्रश लिया, ब्रश की हेल्प से मैंने इसको फेस पर अप्लाई कर लिया। या रेगुलर के लिए वाइट टोन बहुत अच्छा है। रेगुलर बेसिस पर कहीं कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करते, मैं भी नहीं यूज़ करती, सो उसके लिए वाइट टोन बहुत अच्छा है। कवरेज देता है बट फुल कवरेज नहीं देता। एंड सबको ये पता है कि मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं लैक्मे का आइकॉनिक काजल लगा रही हूँ एंड ये मैं वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल बहुत अच्छा है और मेरा फेवरेट भी। तो मैं पर्पल का लिप्स एंड चीक कलर अप्लाई कर रही हूँ। शेड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई थिंक इट्स ऑरेंज कलर। बहुत नेचुरल लुक आती है इससे। सो यही मैंने अपने चीक्स पे अप्लाई कर दिया है ब्लश के लिए एंड ये बहुत नेचुरल सा लगता है और अच्छा भी लगता है। सो या डेली मेकअप डन, नेचुरल सा है और बहुत जल्दी हो जाता है, कोई टाइम भी नहीं लगता। सो अब मैं कॉम कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। मेरा मेकअप अभी तक हो चुका है और अब मैं इसको सेटिंग पे से सेट कर लूंगी सारा। That's it. हवा हवाई। ओके, देन ब्यूटी ब्लेंडर लिया, थोड़ा सा हमने इसको डैब कर देना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। Done. And ये मैंने छोटी सी सेक्शन लेके ऐसे करके पिंस को अटैच कर दिए थोड़ी सी स्टाइलिंग देने के लिए। And that's it. आपको जैसे अपने हेयर्स को टाई करना है आप कर सकते हो, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। सो गाइस यही था आज की मेरी वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Love you all. Bye-bye.